ये स्वीट वाली चटनी और उसमें अंदर आलू वेलकम बैक टू टाइगर ब्लॉग्स। और आज हम आए हैं वडोदरा के फेमस प्यारेलाल कचोरी वाला में उनकी कचोरी ट्राई करने के लिए। सो गाइस देखते हैं कि यहाँ की कचोरी कैसे बनती है और इसका टेस्ट कैसा है। और गाइस ये ममरा गया उसमें बूंदी गई और ये आलू और ये पूरा मिक्स हो रहा है कचौरी के लिए। तो गाइस हमारी ये भेल कचौरी बन रही है। और भैया ये मीठी चटनी है, मीठी चटनी है हाँ। और अभी भेल आएगा, उसके अंदर ममरा और बूंदी का भेल जिसमें आलू भी है, लहसुन की चटनी और ये उनकी स्पेशल लहसुन की चटनी अंदर जो स्पाइसी है, फिर हरी मिर्ची की, ये हरी मिर्ची की चटनी और ये इमली की, और ये स्वीट वाली इमली की चटनी। मीडियम बनाने के ना? हाँ मीडियम बनाओ और उसके ऊपर प्याज से उसके ऊपर। और गाइस अभी हमारी सेव बटाका वाली कचौरी बन रही है। ये स्वीट वाली चटनी और उसमें अंदर आलू और ऊपर से ढेर सारी सेव। फ्रेश दिखने से ही आपको पता चल जाता है कि कितनी ये टेम्पटिंग होगी। और इसके ऊपर अब चटनी लहसुन वाली, जो लहसुन वाली स्पाइसी चटनी है वो, और ग्रीन चिली की चटनी और स्वीट चटनी। और ऊपर से ढेर सारी सेब। सो गाइस ये हमारी बटाटे, अपनी सेव बटाटे की कचौरी रेडी है। मोरी ना? मोरी। और कैसे सेव बूंदी वाली स्पेशल हमारी कचौरी बन रही है। और गाइस ये दूसरी हमारी तीन और कचौरी बन रही है। वापिस से मीठी चटनी, तीखी चटनी और प्याज
तो भैया ये अपना कितना पुराना स्टॉल है? 50। तो गाइस ये वडोदरा में काफ़ी फेमस है प्यारे लाल की कचौरी, 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। बहु चार पार्सल कर देना ना, कितने देने का? सो गाइस ये हमारी सब टाइप की कचौरी रेडी है।